प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं ईशा भार्गव, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। इंडोनेशिया के बाली में G20 शिखर सम्मेलन शुरू हो गया है। दुनिया के 20 बड़े नेता इस सम्मेलन में हिस्सा ले रहे हैं। गौरतलब है कि ये शिखर सम्मेलन ऐसे वक्त हो रहा है जब यूक्रेन रूस की लड़ाई को लेकर दुनिया के देश बटे हुए हैं। पीएम मोदी भी इस सम्मेलन का हिस्सा हैं। G20 शिखर सम्मेलन के दौरान पीएम मोदी ने कई देशों के साथ अनौपचारिक बातचीत की और कई मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान किया। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। इंडोनेशिया के बाली में G20 शिखर सम्मेलन शुरू हो गया है। दुनिया के 20 बड़े नेता इस सम्मेलन में हिस्सा ले रहे हैं। गौरतलब है कि ये शिखर सम्मेलन ऐसे वक्त हो रहा है जब यूक्रेन रूस की लड़ाई को लेकर दुनिया के देश बटे हुए हैं। पीएम मोदी भी इस सम्मेलन का हिस्सा हैं। G20 शिखर सम्मेलन के दौरान पीएम मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, फ्रांस के राष्ट्रपति और कई अन्य वैश्विक नेताओं के साथ अनौपचारिक बातचीत की और कई मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान किया। इस दौरान पीएम मोदी ने G20 शिखर सम्मेलन को संबोधित किया और कहा कि जलवायु परिवर्तन, COVID-19 वैश्विक महामारी और यूक्रेन संकट के कारण पैदा हुई वैश्विक चुनौतियों ने दुनिया में हलचल मचा दी है और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला चरमरा गई है। तो वहीं दूसरी ओर भारत की G20 की अध्यक्षता करने को लेकर पीएम मोदी ने कहा कि उन्हें विश्वास है कि जब गौतम बुद्ध और महात्मा गांधी की धरती पर G20 की बैठक होगी तो हम सभी एक साथ विश्व को शांति का संदेश देंगे। इस दौरान पीएम मोदी ने राष्ट्रपति और अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष मैकी सॉल से भी मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी ने नीदरलैंड के राष्ट्रपति मार्क रूट से भी मुलाकात की। इसके बाद पीएम मोदी ने बाली में रह रहे भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित भी किया। गौरतलब है कि G20 शिखर सम्मेलन को लेकर प्रधानमंत्री मोदी बुधवार को इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो, स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रो और सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली सिंग लूंग के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। इस बैठक में क्या कुछ निकलकर सामने आता है, ये देखने वाली बात होगी। रिपोर्ट प्राइम टीवी। हमारी इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। कुछ